हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन एग्जीक्यूटिव का जो कोल इंडिया में वीडियो है उसमें जो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इससे पहले वीडिए कितना था और वो कब से कब तक था। वीडिए यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, जो कि हर 3 महीने के बाद रिवाइज होता है, तो वो पहले 1 सितंबर से लेके और वो था 30 नवंबर तक था, यानी कि दिसंबर मंथ में वो फिर से चेंज होने वाला था, यानी 3 महीने के लिए वो था। तो इससे पहले वो था 29.8% था, यानी बेसिक सैलरी का 29.8% विडे के अमाउंट की जो कि कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलती थी। अब उसको 1 दिसंबर से, यानी 1/12/2021 से 28/2 यानी 28 फरवरी 2022 तक के लिए रिवाइज कर दिया गया है 3 मंथ्स के लिए, और वो बढ़कर हो गया है 32.2%। यानी कि अगर हम कुल इंक्रीज देखें, यानी कि जो नेट इंक्रीज है वो कितना हुआ है, इससे पहले था 29.8% और अब हो गया 32.2%। तो ये लगभग 2.4% का इंक्रीज हुआ है पिछला जो वीडियो था उससे, यानी कि 2.4% बढ़ गया है जो कि पहले वाला डीए था वीडीए था उससे। तो ये हर 3 महीने पर रिवाइज हो जाता है। अब ये 28 फरवरी 2022 तक है, इसके बाद फिर 1 मार्च से ये रिवाइज हो जाएगा और फिर ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये तब पता लगेगा। फिलहाल के लिए ये 32.2% हो गया, यानी जो भी जितनी भी किसी नॉन एग्जीक्यूटिव की सैलरी होगी उसका 32.2% उसको वीडीए अमाउंट मिलेगी। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनके केस में 6 मंथ में रिवाइज होता है, जबकि पीएसयू के केस में, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हों या एग्जीक्यूटिव हों, उनके केस में ये हर 3 महीने में रिवाइज हो जाता है। और ये वाला जो रिविजन है ये वैलिड रहेगा 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2022 तक। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।